नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स और मैं हूं संदीप यादव। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की। यह मुलाकात रविवार शाम 7 बजे दिल्ली के वसंत विहार में हुई। आपको बता दें कि भाजपा ने इस साल की शुरुआत में संपर्क फॉर समर्थन अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता कुछ चुनिंदा हस्तियों से खुद मुलाकात कर पिछले 4 साल में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी देते हैं और समर्थन मांगते हैं। भाजपा के इस अभियान का मकसद लोगों के बीच पार्टी की पकड़ और मजबूत करना है। इससे पहले अमित शाह टीम इंडिया को 1983 में विश्व चैंपियन बनाने वाले कप्तान कपिल देव, स्वर कोकिला लता मंगेशकर और संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जैसी हस्तियों से भी मिल चुके हैं। 13 जुलाई को अमित शाह ने पार्टी के संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत हैदराबाद में स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल से भी मुलाकात की थी। वह योग गुरु बाबा रामदेव से भी मिले थे। इस अभियान के तहत भाजपा के लगभग 4000 नेता और कार्यकर्ता देश भर में करीब 1 लाख लोगों से मुलाकात कर 2019 में पार्टी को समर्थन देने की अपील करेंगे।